Hey guys, hi, this is Nishant and you are watching my YouTube channel Empower with Oppa. फ्रेंड्स, पुणे वड़ा पाव स्टोरी के सेकंड पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि मतलब नील एंड निकी के बीच में पिछले 14 दिनों से क्या चल रहा था। उनके बीच ना मतलब एक ऐसी बॉन्डिंग थी, मतलब एक ऐसा अटैचमेंट था, अटैचमेंट हो गया था, एक इंफैचुएशन, यू नो, लव नहीं बोल सकते उसे क्योंकि वो अभी तक मिले नहीं थे, अभी तक उन्होंने एक दूसरे से बात ही नहीं की थी। इनडायरेक्टली सही, वो एक दूसरे को देखते थे, डेली आते थे, वो वड़ा पाव शॉप में आता था बंदा एंड वो निकी शॉपिंग करने के बहाने से आते थे। कुछ दिनों के बाद ना मतलब उस दो हफ्तों में कुछ ऐसा हो गया था कि सिर्फ ये प्रायोरिटी नहीं थी उनकी, मतलब वड़ा पाव खाना है या फिर शॉपिंग करनी है, बस मिलना है, कुछ जाके वहाँ पे एक दो घंटे टाइम स्पेंड करना है। मतलब वो इन्जॉय कर रहे थे और खुश थे इन सब चीज़ों से कि मतलब हम मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। जो नील था वो बंदा बहुत टैलेंटेड था एंड उसे मतलब लिप्स रीडिंग या फिर फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे से आते थे एंड वो लड़की भी इशारे में मतलब जो भी कुछ परचेस करे या फिर कुछ शॉपिंग करे या फिर जो भी एक्टिविटी करे डे टू डे उस एक दो घंटे में, वो उसे मतलब नील को बताती थी एंड नील भी मतलब ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड कर लेता था। पिछले दो हफ्तों से इनके बीच में जो भी कुछ चल रहा था वो एक आम इंसान के समझ के परे हैं, यू नो। अगर कोई इसे डिस्क्राइब करना चाहेगा तो आपको स्टीफन हॉकिंस वाली फीलिंग आनी चाहिए, लाइक नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस, या फिर इंटरस्टेलर मूवी में जैसे ब्लैक होल होता है, यू नो, ब्लैक होल के बाद पीछे एक यू नो टाइम लिमिट होती है, यू नो, टाइम रुक जाता है, वैसे कुछ मतलब इनके बीच ना मतलब टाइम रुक गया था। एंड इंसेप्शन मूवी देखे होंगे तो ड्रीम के अंदर ड्रीम होता है, यू नो, मतलब ऐसे, मतलब सेम इनके मतलब जो इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करते थे, मतलब इशारों में इनके बीच भी अंदर ही अंदर कुछ ड्रीम होते थे। मतलब नील के मन में भी मतलब वो सोचता था कि मतलब कैसे कम्युनिकेट करूँ, बात कैसे करूँ, मतलब यू नो। एंड निकी भी यही सोचती थी कि मैं कैसे मतलब शुरुआत करूँ या फिर कैसे आगे बढ़े। और इन सब चीज़ों से मतलब परे वो ये सोच रहे थे कि जैसे भी जो भी कुछ चल रहा है वो खुश थे इन सब चीज़ों से, इन्जॉय कर रहे थे, यू नो, दे आर हैप्पी। दो हफ्ते होने के बाद में एक दिन ऐसा आता है कि नील हमेशा की तरह वड़ा पाव शॉप में आता है एंड वो वेट करते रहता है कि कब निक्की आएंगी, बट निक्की नहीं आती है। एंड उस दिन वो बहुत वेट करता है, मतलब दो चार घंटे होने के बाद में चला जाता है। उसके बाद में वो हमेशा की तरह डेली वहाँ पे आता है, दो चार दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, यू नो। एंड चौथे दिन के बाद में जो वड़ा पाव वाला होता है, यू नो, वो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है एंड समटाइम्स नील भी उसके साथ कुछ बातें करता है। पांचवें दिन क्या होता है कि वड़ा पाव वाला उससे नील को सजेस्ट करता है कि क्यों ना आप मतलब उस रास्ते से मतलब जाकर एक बार देख लो कि मतलब जिस रास्ते से निकी आती थी जाती थी वही कहीं पे मतलब आसपास में रहती होंगी। सो ये सजेस्ट करने के बाद में नील के मन में भी ये ख्याल आता है कि मतलब हाँ ऐसा भी हो सकता है और नील जाता है, यू नो। एंड जाने के टाइम पे क्या होता है कि निकी अपनी सहेली के साथ में जा रही होती है, यू नो, इवनिंग वॉक कर रही होती है एंड नील बहुत खुश होता है। एंड खुश होने के बाद ही उसके मन में एक सवाल आता है कि वो क्यों नहीं आई थी 4-5 दिनों से। हम हमारे थर्ड पार्ट में देखेंगे कि मतलब नील उससे बात करता है नहीं करता है, यानी कि उसे बात कर पाती है नहीं कर पाती है, ये 14 दिनों में जो भी कुछ हुआ था उसके बाद क्या होता है हमारे थर्ड पार्ट में, ये हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। एंड आपको कुछ भी फीडबैक देना होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए नीचे। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, शुभ खैर।